शेरावाली कि जिस घर में हो भजन ना, जिस घर में हो भजन ना, वो घर नहीं वीराना। जहाँ भजन कीर्तन नहीं होते वहाँ वीराना होता है। ज्योति कहते हैं कि जहाँ भगवान नहीं बसते वहाँ शैतान बसा करते हैं। लेकिन ये भजन सुनिए कि जिस घर में हो भजन ना, वो घर नहीं वीराना। और जिस द्वार मान ना हो, जहां आपको सम्मान न मिले, जहां आपको मान न मिले, जिस द्वार मान ना हो उस द्वार पे न जाना। इंसान इंसान भी बड़ा अजीब होता है। जब गरीब होता है तो किसी माँ से मांगता है, इसी माँ के दरबार आता है और झोली फैला कर कहता है। जब ये माँ भंडारे भर देती है, सब कुछ दे देती है, अगर इस माँ के मंदिर में एक ईंट भी लगना हो तो अपने पूरे खानदान का नाम ले देता है। हमारी आपकी औकात नहीं है कि इस माँ को दे दो। माँ अगर भूखी है तो श्री भाव की भूखी है। तो आओ जो जो भाव से माँ का सेवा करना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। कहना है कि किसी किसी कला में अगर कुशल हो पर अभिमान नहीं करना, किसी कला में अगर कुशल हो पर अभिमान नहीं करना, और कर न सको सम्मान किसी का तो अपमान नहीं करना। तो सच्चे दरबार की अब आओ जो जो सेवा करना चाहते हैं, तो दोनों हाथ उठाइए उठाइए। जिनकी आंखों में आंसू हाथों में छाले होंगे मेरी मैया के, वही सच्चे चाहने वाले होंगे। तेरा एक बार उठा लेना भाई, इसके बाद नहीं कहूंगा, इसके बाद भजन सुनाऊंगा। चलो भाई आप लोग भी उठाकर और मेरे साथ ताली बजा के एक दो तीन जिस घर में हो भजन ना, जिस घर में हो भजन ना, वो घर नहीं वीराना। जिस घर में हो भजन ना, वो घर नहीं वीराना। जिस घर जिस घर में हो भजन ना, वो घर नहीं
बेटे की कमाई ना मिलेगी। तालियां बजा दो भाई, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे बेटे की कमाई ना मिलेगी। क्यों ना मिलेगी? क्योंकि आजकल के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे। तुम्हें तुम्हारे बेटे की कमाई ना मिलेगी क्योंकि आजकल के लड़के बीबियों के जाल में रहने लगे, छोड़ के माँ बाप को ससुराल में रहने लगे। माँ बाप गरीब थे तो किराए के घर में रहते थे, ससुराल से मिली दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। तालियां बजा दो, तालियां। ससुराल से मिली दौलत तो नैनीताल में रहने लगे। इसलिए कहना कि बेटा बेटा उसे सर पे ना बिठाना, और प्यारी हो कितनी बेटी घर घर नहीं घुमाना। समझ में आ रहा भजन? अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लगेगा तो बिल्कुल बोल दीजिएगा, आपका बच्चा हूँ, क्योंकि बिना आपके टोके में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर अच्छा लगेगा तो एक बार तालियां बजा दीजिए इस बच्चे के लिए। ऐसे नहीं, एक बार अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार हाथ उठाना और ताली बजाना।
भैया, दोस्ती का कोई मोल नहीं, प्यार का कोई मोल नहीं, व्यवहार का कोई मोल नहीं, भाई भाई का कोई मोल नहीं। अगर मोल है तो वो किसका किसका किसका, जरा जोर से बोलो किसका, पैसों का। अगर आपके पास पैसा है तो दूर का रिश्तेदार भी आपको बड़ा करीब का बताएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं तो सगा भाई भी पहचानने से इंकार कर देता है। कहते हैं कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, भाई को हंस करके जहर पिला देते हैं लोग, दौलत सिर्फ चंद पैसों के लिए। लेकिन सुनो क्या बड़ी प्यारी लाइन है, सुनिए। जिस दिन आपके पास फूटी कौड़ी नहीं होगी उस दिन के दौलत गई तो तुझको, अरे पूछे गाना से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। हर इंसान की जिंदगी माँ से शुरू होती है और माँ से ही खत्म होती है। तो आइए ये दो लाइनें उस माँ के लिए मैं गा रहा हूं जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। सुनिए, ओ लखते बच्चा चाहे जितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन वो कभी बुरा नहीं कहती, उसे उतनी प्यार करती है। सुनिए, लखते जिगर के खातिर, लखते जिगर के खातिर हर जुल्म सह रही सह रही है, लेकिन एक माँ है जिसके लब पर, एक माँ है जिसके लब पर। मैंने कहा कि लखते जिगर के खातिर हर जुल्म सह रही है, लेकिन एक माँ है जिसके लब पर कभी बात हुआ
समय को देखते हुए ये भजन की आखिरी लाइन ये पाई पाई है पाई छोड़ी पाई है पाई छोड़ी सब हो गया कमल सब हो गया